नमस्कार, मैं हूँ समा समुद्र की रसोई में। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी फाफड़ा बाटी। तो चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें मैंने 2 कटोरी आटे के लिए और 1/2 कटोरी सूजी के लिए है। अब इसमें थोड़ा सा अपन डसा कर लेते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच दही डाल रही हूँ और 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन। उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच मीठा सोडा और मोवन के लिए घी। इन चीज़ों का अपन अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर मोवन कम होगा तो अपन चेक कर लेंगे और डाल लेंगे। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हो, मोटी बारीक जो भी आपके पास हो। चेक कर लेते हैं अपना मोवन सही लगा है क्या। ये देखिए मुट्ठी बंध रही है। अगर नहीं बंधे तो थोड़ा मोवन आप और डाल सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी और सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो लग के तैयार है, क्योंकि थोड़ा लूज ही लगा है। सूजी अभी थोड़ा पानी पिएगी इसलिए नहीं ज़्यादा टाइट हो जाएगा बाद में। अपन बाटी बनाए उससे पहले गर्म पानी कर लेते हैं। मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। करके जितनी बड़ी छोटी साइज जो भी आप अपने अनुसार बना सकते हो। इसकी बाटियाँ बना के रख देते हैं जब तक अपना पानी बॉईल होता है। इनको ऐसे करके गोल गोल ऐसी इसी तरह मैं बाकी भी बना लूंगी। देखिए राउंड शेप देके मैंने सबको तैयार कर लिया है। देखिए अपना पानी अच्छी तरह बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर अपन बाटी डालेंगे, का सा दबा देंगे, बाटी का शेप दे देंगे और पानी में डाल देंगे। इनको पानी में डाल देंगे अपने, जितनी एक साथ आए उतनी डाल देंगे, क्योंकि फूल के बाद में ऊपर भी आएंगे। अब ढक लगा के 5 से 10 मिनट के लिए इनको पकाएं। अपन चेक करते हैं। देखिए अपनी बाटी सभी ऊपर आ गई है सिक्के। अब अपन इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए पानी में से निकाल लिया। अब इनको एक बार ठंडा होने देते हैं, बाद में फ्राई करें। गैस ऑन कर दिया है और इस पर एक पैन चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 3 से 4 चम्मच अपन घी की डाल लेंगे और ज़रूरत होगी तो बाद में और डाल लेंगे। और इसको अच्छी तरह फैला देते हैं और इधर अपनी बाटियाँ ठंडी हो गई। इनको ज़्यादा ठंडी नहीं करना, नहीं तो क्या हार्ड हो जाएंगे बाद में। अब इस पर लगा देते हैं एक बाटी। जितनी बाटियाँ हैं उस हिसाब से लगा लेंगे। इसको सिकने देते हैं मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए और थोड़ा थोड़ा घी ऊपर और लगा देते हैं। अब इनको ढक के पका लेते हैं। अपनी चेक करते हैं, इस साइड से सिक गई है। साइड से भी थोड़ा घी और डाल देते हैं पैन में और इस साइड से भी अपन सेक लेंगे करारी होने तक। ये बाहर से तो करारी होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है। अपने चेक कर लेते हैं।
इस साइड से भी अच्छी तरह सिक चुकी है, करारी भी हो गई है। और इनको अपन हल्का हल्का दबा देंगे। और गैस बंद कर देते हैं, प्लेट में निकाल लेंगे इनको। और मेरी वीडियो पे दोस्तों आप न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, जिससे जो भी वीडियो आए न्यू उसका नोटिस आपको मिलता रहे। तो लीजिए अपनी बाटी भी बनके तैयार है, बाफला बाटी। इसके अंदर मैं एक बाटी धर रही हूँ, इसको अपन ऐसे तोड़ के और इसके अंदर घी और डालेंगे। जब तक घी नहीं हो बाटी में तब तक खाने का मज़ा नहीं आता। लीजिए अपनी बाफला बाटी बनके तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई करना घर पे।